सो फ्रेंड्स, आज जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आया हूँ, ये रियल एस्टेट की जो वीडियोज़ मैं बना रहा होता हूँ, इसका एक रीज़न, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आने का रीज़न ये है कि मेरे एक फ्रेंड होते हैं यासीन, उनके साथ मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट की हुई है, कनाडा में होते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार कोई प्रॉपर्टी मुझे बताओ, मुझे लेनी है। रेंज उन्होंने मुझे बताई थी, मैंने उनको दो तीन ऑप्शंस दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने उनको बता दिया था। स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे इसके बारे में पता करना है, मुझे थोड़ी सी वीडियोज़ भी चाहिए। तो मैंने महमूद को बोला था, महमूद जो है वो हमारे साथ वीडियोज़ बनाते हैं, उन्होंने बोला कि यार आप खुद ही आ जाएँ और हम एक रिव्यू की वीडियो भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, अच्छी बात है। महमूद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। चलो यार, अच्छा हुआ यासीन भाई को मैं बता दूंगा, उनका चैनल को भी टैग कर दूंगा नीचे, ताकि उनको पता चल जाए कि हम वाकई में आए थे और ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाई हुई है। तो रिव्यू करके पूरा रिव्यू देंगे इसके इस बिल्डिंग का। और ये बड़ी यूनिक सी बिल्डिंग है, क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरह की वीडियो नहीं की कि जिसके अंदर बिल्डिंग कम्प्लीटली तैयार हो और रेडी टू हैंड ओवर हो। तो क्या इसका सिचुएशन है मैम? राइट नाउ बिल्कुल रेडी बिल्डिंग है, ठीक है। और सिर्फ आपने विद इन दिस मंथ, सितंबर के महीने में आपने जस्ट इसका हैंड ओवर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और कुछ के होना स्टार्ट कर दिए। तुमने यासीन के साथ पॉडकास्ट भी किया ना? हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट किया, उसका भी आप लिंक लगा दीजिएगा। हाँ, वो भी लगा दूंगा। उसमें एक जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई दी है हमने कि क्या बेनिफिट्स हैं बाइंग करने के और क्या प्रोसीजर्स हैं। और ये यूट्यूब की कोलैबोरेशन का फायदा है कि लोग जो है ना एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जो है ना सबका फायदा होता है उसके अंदर। तो यासीन भाई का आपके थ्रू हमारा हुआ है जानना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यासीन मेरा बेसिकली यूनिवर्सिटी, मैं 25 साल से जानता हूँ यासीन, तो उनको अच्छा लगेगा कुछ उनके लिए। सही है यासीन, आपको देखना है ये वीडियो। चलो यार अंदर चलते हैं, अंदर चलते फिर बात करते हैं। अच्छा यार महमूद, ये तो काफी बिल्कुल कंप्लीटेड बिल्डिंग है। बिल्कुल कंप्लीटेड है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इस तरह की बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने के। अभी इसमें तो काफी लोग नजर आ रहे हैं मुझको, तो ये एक एक करके आई थिंक दो अवेलेबल है। दो अवेलेबल हमारे पास, स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम है। मैं आपको पहले स्टूडियो का एक खाली लेआउट दिखा दूं और फिर उसको एक हमारे फर्निश करके ठीक है। सही है। तो ये वाला है प्रॉब्ली, राइट? ये वाला हम देखते हैं। ये हमारा वॉशरूम है, राइट? ठीक है। ये आपका किचन आ गया विद द अप्लायंसेस, अप्लायंसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये लेआउट इस तरह का है, ठीक है। स्टूडियो इसी तरह का होता है, एक वार्डरोब है उसके अंदर। अच्छी बात यह है कि बैल्कनी भी है, बैल्कनी भी मिलेगी आपको। सही है। पूल व्यू है, रोड व्यू तो डेफिनेटली सोल्ड आउट हो चुके हैं हमारे पास। सही सही सही। बट पूल व्यू आपको मिलेगा। और अगर आप साइजेस देखेंगे, ठीक है, बड़ा एम्पल साइज है। अब इसका आप देखते हैं फर्निश्ड वन, ठीक है। सही है। अच्छा, ये एक फर्निश्ड वाला है, सही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फर्निश्ड में आपको किस तरीके से नजर आएगा। तो डिफरेंस बिल्कुल आपको आइडेंटिकल थे दोनों यूनिट्स। हाँ, उधर आपको लेफ्ट पे था, ये राइट पर है, ठीक है। ये आप इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं, प्लस अगर आपने इसको एयरबीएनबी करना है या मंथली बेसिस पे देना, तो इस तरीके से बड़ी अच्छी फिनिशिंग आप इसको आफ्टर द बाइंग आप इसको फर्निश करवा सकते हैं, ठीक है। सही है। और बालकनी इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी वार्डरोब है, किचन भी कंप्लीट है। मुझे याद पड़ा है, मैंने एक दो स्टूडियो जो फर्निश देखे थे उसके हिसाब से लेआउट इसका थोड़ा बड़ा है। 450 स्क्वायर फीट का ये एवरेज साइज स्टार्ट हो रहा है। तो किचन भी आप देख सकते हैं, और प्लस आपकी जो बालकनी है, right. आपने नॉर्मली देखा होगा किचन लेफ्ट पे होता है, राइट पे वॉशरूम होता है। यहाँ पे दोनों साथ में, यहाँ पे दोनों साथ में, तो वॉशरूम अलग हो गया बिल्कुल किचन से। तो इट्स जस्ट लाइक आप यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकते हैं और एक लिविंग एरिया छोटा सा बना दें, और वो आपका कंप्लीट सेपरेट बेडरूम हो जाएगा। कन्वर्टेबल वन बेडरूम भी आप इसको बना सकते हैं। वैसे अलाउ होता है या आपको परमिशन लेनी होती है? परमिशन लेनी होती है, लेकिन आपके आप इसको हाफ लोग स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं, ठीक है। right. अब हम वन बेडरूम देख लें। अब हम वन बेडरूम देख। अच्छा वली भाई, ये एक वन बेडरूम का अपार्टमेंट है हमारे पास। राइट साइड पे किचन, राइट, विद अप्लायंसेस। हाँ, और ये आपका लिविंग एरिया। अच्छा, इसका लिविंग एरिया बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मेरा गेस्ट वॉशरूम, और थोड़ा सा आगे जाएंगे बालकनी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और अगर अच्छा, ये अनफर्निश्ड होगा, ये जैसे मॉकअप उन्होंने फर्निश करके दिखाया कि आप इस तरीके से इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। अच्छा, बालकनी इसकी इस तरफ है, इस तरफ आ जाए, ठीक है। सही है। ओके, तो हम आएंगे यहाँ पे। अच्छा, इसका हमने लेआउट एक मैं इसके अंदर बी रोल के ऊपर वो भी लगा दूंगा जो इसका रेगुलर वाला है ना, अनफर्निश्ड, ताकि लोगों का आइडिया हो जाए कि कैसा दिखता है, दिखेगा, ठीक है। सही है, सही है। और ताकि लोगों को कंपेयर करने में आसानी हो कि अगर आपने फर्निश करना है इस तरीके से फर्निशिंग फिनिशिंग। अच्छा, ये बिल्डिंग अभी हम इस पे कंप्लीट बात करते हैं कि ये बिल्डिंग का स्टेटस क्या है, कंप्लीट बिल्डिंग बनी हुई है, और ये इसका फायदा क्या है इस तरह की बिल्डिंग को अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इसके अंदर। तो ये वन बेडरूम है, वन बेडरूम के अंदर सिंपल एक और वॉशरूम है इसके साथ, और एक मास्टर रूम में चलते हैं। मास्टर रूम में चलते हैं, वहाँ मेरा सोचा कोई है। अच्छा, ये वली भाई, ये आ गया आपका मास्टर रूम, और साइज देख लें, एग्जैक्टली सेम साइज है।
मतलब वो बात नहीं है कि लेआउट्स में क्या है आपको। हाँ ये तो एग्जैक्टली बना हुआ है बिल्कुल सेम। अगेन उसका भी वो जो जो इस वक्त खाली पड़े हुए हैं वो भी हम उसको दिखा सकते हैं। और अगर वॉशरूम आप देखेंगे तो आपका डिसेंट साइज का वॉशरूम है, रेन शावर है और ये सारी चीजें हैं। राइट, ठीक है, चलो ठीक है यार, अब इसको थोड़ा सा बैठ कर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा महमूद यार, मतलब बिल्डिंग तो कंप्लीट है, ठीक है, उस रेडी टू मूव इन है, कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला ही नहीं है, जो बंदा लेना चाहता है वो आज ले, आज मूव हो जाए। लेकिन ऐसी बिल्डिंग लेने का किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफ प्लान लेना चाहते हैं, 5-5 साल की पेमेंट प्लान पे लेना चाहते हैं, या फिर चलो 4-5 महीने के डिलीवरी के ऊपर ले रहे हैं, या फिर रेडी टू मूव जो एग्जिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट से ले रहे होते हैं लोग, इस तरह की बिल्डिंग का जिसमें कि इसकी मैं कहूंगा कि 0 मीटर या 0 माइलेज की बिल्डिंग है ये, इसमें कोई रह नहीं चुका पहले, तो इस तरह की बिल्डिंग लेने का क्या फायदा है, क्योंकि प्राइस तो आपको वही देनी है जो मार्केट रेट। बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जो माइंडसेट होते हैं कि हमारे पास कैश रखा हुआ है और हमें रेंटल इनकम चाहिए, और JVC ऐसा आपको पता है रेंटल परफॉर्मिंग एरिया है टॉप दुबई का, तो इसलिए ये बिल्ड डेवलपर ने इटसेल्फ जो है ना रिसेंटली जस्ट आपने लॉन्च किया, मैं से मतलब रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको फौरन ही अपलोड करें ताकि विद इन नेक्स्ट मंथ जब इसका हैंडओवर होगा तो उससे पहले कुछ ही यूनिट्स हैं। अच्छा अभी हैंडओवर नहीं हुआ, अभी हैंडओवर नहीं हुआ, सितंबर में इसका हैंडओवर स्टार्ट हो जाएगी, तो इनके पास जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कि अगर JVC में हम ऑफ प्लान पे जाते हैं और JVC में हम रेडी पे जाते हैं, वो एक डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस आएगा। तो ये ऑफ प्लान कहेंगे इसको हम या रेडी कहेंगे? हम तो इसको रेडी कहेंगे क्योंकि ये रेडी टू मूव है, आपने जस्ट 100% पेमेंट करनी है या आपने इसको मॉर्गेज करनी है, तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये JVC के इटसेल्फ क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर और महमूद वगैरह जब हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो दुबई से नहीं होते हैं, वो बाहर से होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि JVC की अपनी सिग्निफिकेंस क्या है। डेफिनेटली जो भी बंदा फर्स्ट टाइम अगर बाइंग करने आता है तो उसको पहली प्रायोरिटी में मिलता है कि लोग प्रेफर करते हैं JVC में जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंटल अच्छा मिलता है, सही है। तो इस यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कैश अरेंजमेंट है स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम की, तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट उठाएं, उसको फर्निश करें और आपको एक अच्छा रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा। इवन अनफर्निश्ड पे भी आपको रेंटल जो है ना अच्छा मिलेगा, मार्केट रेंट मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ हमने लास्ट टाइम कौन सा HMB किया था, HMB वो हो सकता है अभी तक वीडियो अपलोड ना की, पहले शायद ये वीडियो अपलोड हो, उसमें हमने एक वो ग्लास ब्रिज के ऊपर गए थे, तो हमें JVC एक साइड पर और दुबई स्पोर्ट्स सिटी एक साइड पर नजर आ रहा था, तो वो मैं उसकी फुटेज लगा दूंगा पीछे, लेकिन उस जगह पर एग्जैक्ट समझ में आ रहा था कि JVC का लोकेशन क्या है और स्पोर्ट्स सिटी में जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो बिल्कुल मोहम्मद बिन जायद रोड उसको डायसेक्ट कर रही थी। तो ये भी नियर टू मोहम्मद बिन जायद है और डायरेक्टली कनेक्टिविटी हिस्सा से आपको पता JVC की और आपको मोहम्मद बिन जायद से डायरेक्टली कनेक्टिविटी आती है, प्लस लोकेशन सबको पता है JVC जस्ट लाइक 20 मिनट्स अवे फ्रॉम बुर्ज खलीफा और 20 मिनट्स अवे फ्रॉम 25 मिनट्स अवे फ्रॉम अल मखदूम एयरपोर्ट। तो JVC अरजान स्पोर्ट सिटी और मोटर सिटी, ये वो लोकेशंस हैं जो कि पुराने एयरपोर्ट से भी करीब है और नए एयरपोर्ट से भी करीब, मिड ऑफ दोनों एयरपोर्ट। सही है। तो आइदर आप इसको अभी की कंसिडरेशन करें या 5 साल बाद की कंसिडरेशन करें तो आपको सेम आपका वैल्यू टू मनी। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान तो क्या होगा, इसका है कोई पेमेंट प्लान? ये तो इसका पेमेंट प्लान ये सिंपल, इसके 20% आपने बुकिंग करनी है और 80% ऑन हैंडओवर है, तो हैंडओवर 1 महीने बाद है, हैंडओवर आपका चल रहा है बेसिकली। आप उसकी जैसे 20% करेंगे आपका यूनिट ऑलरेडी बिल्डिंग रेडी है, जस्ट फाइनल स्टेजेस और स्नैगिंग चल रही है, तो वंस इट विल बी डन आप अपना यूनिट को लेना, मतलब हैंडओवर लेना शुरू कर दें। और अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे तो आपको रेंट की लिस्टिंग आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों ने मतलब रेंटल की लिस्टिंग्स लगानी शुरू कर दी है। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो किस तरह की हैं? प्राइसेस जो स्टार्ट हो रही हैं 680,000 से आपका स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है और अप टू 710 तक जा रहा है स्टूडियो। एंड देन अच्छा मैंने देखा कुछ स्टूडियोज में बालकनी है और कुछ में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं। तो हमेशा जो लोग अगर दुबई से नहीं पता जिनको उसके बारे में, तो नॉर्मली जो बालकनी वाला अपार्टमेंट होता है वो प्रेफर करते हैं, तो अगर बालकनी नहीं है और अगर 30,000 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है तो मेरे ख्याल से जो बंदा ले रहा है उसको वो लेना चाहिए जिसमें बालकनी का मसला ना हो। हाँ, एक डिसेंट साइज की बालकनीज हैं यहाँ पे और कुछ लेआउट्स हैं जिसमें नहीं है, ठीक है, बट ये है कि अगर आप 1 बेडरूम पे जाएंगे तो हर यूनिट्स में आपको बालकनी नजर आएगी। स्टूडियो का साइज बहुत अच्छा था जो हमने, स्टूडियो का साइज बहुत अच्छा था, ठीक है, स्टूडियो साइज हर सूरत में ही अच्छा था, लेकिन बालकनी किसी में थी किसी में नहीं थी, ठीक है। और 1 बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ही डिसेंट साइज का आपके पास
फैमिली लिविंग के हवाले से या अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख रहे हैं, बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि ओवरसीज लोगों के लिए जो डेफिनेटली दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कल को मूव भी करना चाहेंगे 3 साल बाद 4 साल बाद, तो इनके लिए बड़ा अच्छा एक आप एसेट बना सकते हैं यहाँ पे। तब तक आपका ये रेंटल भी चलता रहेगा और जब आप खुद मूव होना चाहें आप मूव हो सकते हैं। राइट, और अब इसके अंदर जो इसकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो क्या रेट है उसका? मेंटेनेंस अराउंड 13-15 दिरहम आपकी पर स्क्वायर फीट आएगी। और हमने देखा था वीडियो में जो पूल व्यू वाले यूनिट्स थे तो उसमें आपको जो पोडियम लेवल पे वो आपको सारी एमिनिटीज नजर आएंगी। एमिनिटीज की अगर बात करें तो पोडियम लेवल पे थी, याद है हमने आपको 1 बेडरूम में शो करवाया था बालकनी से, तो वो सारा एमिनिटी फ्लोर था। ठीक है, तो ऑलरेडी सारी चीजें उन्होंने बनाई, अभी क्योंकि क्लोज थी तो इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। सही, बट ये कि अगर कोई कस्टमर आता है डेफिनेटली वो देखना चाहेगा तो हम उसको अरेंजमेंट करवा देंगे। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इस तरह की किस तरह क्यों प्रोजेक्ट होते हैं कि मतलब नॉर्मली डेवलपर्स जो हैं वो लॉन्च करते हैं, 5 साल का पेमेंट प्लान देते हैं, 3 साल का पेमेंट प्लान देते हैं, उसमें इवन बड़े बड़े डेवलपर्स भी ये करते हैं, लेकिन ऐसे डेवलपर्स मैंने कम देखे हैं जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देते हैं आपको और उसके बाद आपको पेमेंट प्लान किया वो आपसे। ये अभी लॉन्च हुआ है ना? ये महीना हो गया, तो यानी कि बिल्डिंग पूरी कंप्लीट कर ली उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया, तो ऐसा इनका क्या बिजनेस? बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, ये कैश इन रिच कंपनीज होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, डेवलपर्स ये क्या करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं, डेवलप करते हैं और वंस कंप्लीटेड तो डेफिनेटली वो मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट प्राइस से कम में भी मिल रहा है, ये मार्केट प्राइस पे। जेबीसी में अभी आपको ब्रांड न्यू स्टूडियो जो है जो आप ऑफ प्लान में ले रहे होते हैं डेफिनेटली 6 लाख 6.5 लाख का, तो अपकमिंग जो है आफ्टर हैंडओवर या कंप्लीशन पे 700-750 की प्राइस पे मिल रहा है। हाँ। तो ये आपको मार्केट प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिल रहा है। आप इसको ऐसे कंपेयर कर लें कि अभी आपने मैं एग्जांपल लूंगा सिटी वालों की, ठीक है, हमने वो 1 मिलियन ब्लो पे 1 बेडरूम था, ठीक है, कंप्लीशन के टाइम पे डेफिनेटली प्राइस एक्सपेक्टिंग करें 1.2। तो आप ये देखें कि ये इस प्रोजेक्ट में जो ये जो जहां इस वन बेडरूम की जो प्राइस है वो 1.1 मिलियन है। तो डेफिनेटली प्राइस एप्रिशिएटेड करके डेवलपर बेच रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट ले रहा है और वो आपको रेडी टू मूव दे रहा है प्रोडक्ट। तो एंड यूजर के लिए इज वेरी गुड ऑप्शन, जो 20% डाउन पेमेंट पे करें और 80% मॉर्गेज करवा लें, दे आर एक्सेप्टिंग मॉर्गेज ईजिली क्योंकि कंप्लीशन रेट ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है बिल्डिंग, और जो इन्वेस्टर है जिसके पास फंड्स अवेलेबल है वो डेफिनेटली जिसको ROI कंसर्न है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कैपिटल एप्रिसिएशन से कोई मतलब, हाँ, उनको रेंटल चाहिए, उनको रेंटल चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते 2-3 साल। तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर लें कि अगर आप JVC में अगर रेडी में ले रहे हैं तो आपको 1.1 की प्राइस पर आ रहा है, ऑफ प्लान में ले रहे हैं तो डेफिनेटली मिलियन तक ये 950 तक में आपको अच्छा 1 बेडरूम मिल जाएगा। सो दैट वाज अ डिफरेंस। सही, और इसके अंदर जो रेंटल के ROI है वो कितना बनती होगी? रेंटल इस प्रोजेक्ट की ROI ऑलमोस्ट 7% आपको बन रहा है, ठीक है, और मोर और लेस 6.8-7% नेट, ठीक है। आप अच्छा इवन वो निकालने के बाद सर्विस चार्ज निकालने के बाद भी आपको 6.8-7% समहाउ, अगर फुली फर्निश करेंगे तो 7.5% और अगर आप उसे अनफर्निश रखेंगे तो 6.8-7% डिपेंड ऑन द फ्लोर वो आपको मिल जाएगा इसका ROI। राइट, और अब इसके अंदर जो इसके हायर एंड के यूनिट्स हैं, यानी कि ये तो हमने 1 बेडरूम की बात की या स्टूडियो की बात की, स्टूडियो ऑलमोस्ट कितना बताया था स्टूडियो का? स्टूडियो के जो रेंट प्राइस है वो मेरी है 680 और 1 मिलियन जो 1 बेडरूम था उसकी 1 मिलियन और 2 बेडरूम का क्या है? 1.6 और 3 बेडरूम? 3 बेडरूम नहीं है इसमें। अच्छा, 3 बेडरूम नहीं है, स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम्स है। स्टूडियो 1 और 2 बेडरूम्स, तो इसमें भी अगर हम उसकी बात करें, हमने एक दफ़ा बीच में डिस्कशन की थी गोल्डन वीज़ा की, तो गोल्डन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो फिर 2 प्रॉपर्टीज़ अगर लेंगे तो फिर गोल्डन वीज़ा बनेगा और ये फॉरन ही मिल जाएगा क्योंकि ये तो रेडी प्रॉपर्टी है। ये रेडी प्रॉपर्टी है, इसमें आपने 1 बेडरूम की बुकिंग करनी है, 20% पेमेंट करनी है और आपका गोल्डन वीज़ा खुद एलिजिबल होगा, क्योंकि अपार्टमेंट में वही जो बात थी कि अपार्टमेंट में कंप्लीशन बिल्डिंग कंप्लीशन 50% होनी चाहिए एज पर द दुबई रेस्ट है। तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप 1 मिलियन का अपार्टमेंट लें और फॉरन अपना इन्वेस्टर वीज़ा 2 साल का वो लगा। अच्छा, वो दुबई रेस्ट ऐप के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, है क्या ये दुबई रेस्ट ऐप? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं दुबई में तो दुबई गवर्नमेंट की एप्लीकेशन बनी हुई दुबई रेस्ट, हर कोई इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। आपके जस्ट पासपोर्ट नंबर आपने डालना है, उससे आप लॉग इन करेंगे, ठीक है, आपकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स वो सारी शो हो जाएंगी, उसके एस्क्रो अकाउंट कितना कंप्लीशन रेट है। अब लेट्स सेट आप बाहर बैठे हैं ऑफ प्लान में, आपने बाइंग की है
अब डेवलपर कह रहा है कि मैंने 50% कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, बट एज पर द रेस्ट ऐप जितने परसेंट उनकी इन्वेस्ट आपकी कह सकते हैं जितने परसेंट उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आ रही होगी प्रोग्रेस वही मानी जाएगी, राइट, ठीक है। तो गोल्डन वीज़ा के लिए भी यही शर्त है कि दुबई रेस्ट ऐप में अपार्टमेंट या बिल्डिंग की प्रोग्रेस 50% होनी चाहिए। अच्छा, गोल्डन वीज़ा में जैसे पहले एक वीडियो में भी हमने बात की थी कि अगर विला लेते हैं तो विला के अंदर आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा अनलेस वो 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी हो, लेकिन अपार्टमेंट्स के केस के अंदर आपकी जो टोटल बिल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर कंबाइंड वैल्यू 2 मिलियन हो भी जाती है तब भी उसकी जो जो कंडीशन है वो 50% से ज़्यादा की उसकी वो होनी चाहिए, भले आपकी पेमेंट कितनी भी होगी, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट्स आपकी कंप्लीशन को उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि आगे शायद ये रिवाइज हो जाए क्योंकि पॉलिसीज आपको पता है गोल्डन वीजा की विद हर क्वार्टरली वो चेंज होती रहती है। हाँ हाँ, अभी वो जो बेस सैलरी वाला बेस सैलरी वाला अभी जो लोग हैं परेशान है, पहले मैं कहता था गोल्डन वीजा अप्लाई कर दो जिसकी 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी थी उनको गोल्डन वीजा मिल रहे थे, अब जो है वो उन्होंने बेसिक सैलरी 30,000 कर दी है। और बेसिक सैलरी 30,000 दिरहम करने का मतलब ये यूजुअली यूएई के अंदर जिन लोगों की 30,000 दिरहम सैलरी है उनकी बेसिक 15,000 दिरहम 17,000 दिरहम होती है। अगर बेसिक सैलरी 30,000 दिरहम होगी तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल सैलरी होगी वो 55,000 दिरहम के करीब होगी, मिनिमम 60,000 दिरहम भी हो सकती है, डिपेंडिंग कंपनी आपको किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करके देती है। तो अब ये चीज़ स्ट्रिक्ट कर दी है, थोड़ी सी जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दी है, और इसी तरह से प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं कभी। इसी तरीके से जो सैलरी वाली थी कंडीशन उसके साथ इन्होंने अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इक्विलेंसी भी लगा दी है, इवन अगर आपकी सैलरी हो, क्या नाम है, 30,000 बेसिक हो तब भी आपको, क्योंकि आप फर्स्ट एंड सेकंड स्किल्ड पीपल में आते हैं तो उसमें आपको बैचलर्स और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और वो इक्विवेलेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसकी इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। तो अगर हम नहीं तो ये अटेस्टेशन एक अलग चीज है, अटेस्टेशन तो एक अलग चीज है, वो तो आपने प्रॉपर करना है एज अ पाकिस्तान इंडिया का, पूरे जहां से आपने सारी जगह से अटेस्टेशन करने के बाद भी स्टिल आपको अगर वीजे के लिए, जैसे गोल्डन वीजा के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो आप फाइनलाइज कर रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो सबको देना चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि स्किल्ड लोग ही आए। तो इसलिए, क्योंकि रिसेंटली ये मेरे साथ मेरे कुलीग के साथ हुआ था, मैं जिनको जानता हूँ, तो उनकी डिग्री सारी चीज़ें अटेस्टेड थी बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटेस्टेड नहीं थी। अच्छा, तो उस अटेस्टेड नहीं मतलब इक्विवेलेंसी नहीं थी, इक्विवेलेंसी नहीं थी, तो उस इक्विवेलेंसी के लिए उनको एक अलग प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप वो सारा वहाँ पे कर सकते। ये तो डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी से हटके बात थी बट ये गोल्डन वीजा में ही आगे कवर हो गए, तो इसलिए हमने इसको जबरदस्त। अच्छा महमूद, ये तो जैसे तुमने कहा कि रेडी प्रॉपर्टी ही हो गई है, तो इसके अंदर कोई भी अगर इंस्पेक्शन करना चाहेगा कोई बाहर से आकर या यहाँ से भी कोई देखना चाहता है तो डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर आकर अगर तुम्हारे साथ कोई कोलैबोरेट करके यहाँ पर आता है और वो देख सकता है आराम से, या फिर अगर कोई बाहर से भी है तब भी तुम सारी वीडियोस वगैरह सेंड कर सकते हो, लेआउट भी प्रॉब्ली होंगे तुम लोगों के पास, लेआउट वगैरह वीडियोस हैं, को ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। और बहुत अभी आपने देखा कि फैमिली आई हुई थी बाहर से, वो पर्टिकुलरली देखने आए थे वो यूनिट, हमें वो यूनिट वो सीरीज दिखाएं, तो इत्तेफाक था कि वो हमने उसको उसी टाइम हमने विजिट भी करवा दिया। तो वो बहुत से लोग होते हैं जो खुद चाहते हैं कि हमें दिखाओ और जो हमें नजर आए फिर हम वो बाय करें, और डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टर्स तो हैं हर किस्म के, और डेवलपर भी कोशिश करता है हर एक ऑडियंस को टारगेट करे। आपने देखा होगा दुबई कितना डाइवर्स है कि पेमेंट प्लान वाला भी ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑन हैंड ओवर पे भी दे रहा है, और आपको कह रहा है कि रेडी भी प्रोजेक्ट है, और तीनों जगह पे आपके अपने बेनिफिट्स हैं। राइट, जबरदस्त। चलो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इवेंचुअली आप महमूद या इनकी टीम में से किसी भी मेंबर के पास पहुंच सकते हैं। और अगर बाइंग सेलिंग और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसको सेल करना है, या इस तरह की और कोई भी सर्विसेज हैं, तो उसके लिए भी आप महमूद एंड टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महमूद, एंड में जो आपके पेन पॉइंट्स हैं बींग रियल्टर, वो आप थोड़ा सा बताएँ कि लोग आपके साथ किस तरह से करते हैं, सब सेट रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और माशाल्लाह मतलब 3-4 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली हर किस्म के लोग हमें मिलते हैं, और अल्टीमेटली मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और ये फ़ायदा दिया जाए कि यार आप अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। डेफिनेटली बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ मशवरा करते हैं, ठीक है, मशवरा इस सेंस में कि बस उन्होंने पैसे आ गए, अब वो सोच रहे होते हैं, अब वो जितने देर सोच रहे हैं उतनी प्राइस बढ़ती जा रही है,
ठीक है, या तो वही मैं आपसे जब भी बात कर रहा था कि आपके पास जब भी कोई अमाउंट आती है, इधर आप कहीं भी लगा दें, या स्टेक में हम लगा सकते हैं, या फॉरेक्स में लगा दें, या प्रॉपर्टी में लगा दें, ठीक है, बट अगर आप इसको वेट करेंगे और डेफिनेटली प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ती रहेगी। वो अभी अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि बढ़ रहे हैं, सॉरी कम हो रहे हैं, तो इट्स हाईली लाइकली कि यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस और फर्दर अप्रिशिएट करें। आई मीन ये स्पेकुलेटिव है लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है, लेकिन अपने पैसों को सिर्फ एक जगह छोड़ देंगे आप तो फिर वो इवेंचुअली उनका फायदा नहीं होगा, वो इन्फ्लेशन से ईट अप हो रहे होते हैं। और अल्टीमेटली देखिए प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट देती है, ठीक है, लोग ये कहते हैं कि ये एक बबल है। मेरे पास दो दिन पहले मेरे पास एक यूएस से फैमिली थी और उन्होंने सबने उनको डराया हुआ था कि दुबई एक बबल है, बट जब वो यहाँ आए उन्होंने खुद मुझे बताया कि यार ये बबल नहीं है, डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनिक डिमांड है मार्केट की। आप कहते हैं आप मॉल्स में चले जाएं, आप रोड्स पे देख लें, तो डेफिनेटली ये डिमांड बढ़ रही है। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो हमें बिहाइंड द सीन वो सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कितनी जॉब्स क्रिएशन आनी है, कितनी डेवलपमेंट्स आनी है, कितने लोगों का रोजगार आपने उन लोगों ने जो है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, प्लस कितनी कंपनीज को अट्रैक्ट करना है, तो वो चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंक्लूड होती हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ रही है तो कितनी बढ़ेगी, ठीक है, डेफिनेटली आपने देखना है। आप अगर रेडी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं 1.1 में जा रहे हैं तो आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि आपने हायर एंड पे प्राइस पे बाई किया है। आपको जब मार्केट में 980 मिलियन से नीचे वन बेडरूम जेवीसी में मिल रहा है, ठीक है, और आप रेडी में डेवलपर से 1.1 का ले रहे हैं और ऑफ प्लान में 980 का ले रहे हैं, तो डिफरेंस आपको 1.5 लाख दरम पे नजर आता है, क्योंकि इट्स अ गुड साइन, सही है। लोग इसको जज कर सकते हैं कि यार मार्केट में ऑफ प्लान में अंडर कंस्ट्रक्शन में स्टिल पोटेंशियल है। मैं वही इनसे बात कर रहा था कि आपने देखना है कि प्रोजेक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने जस्ट इट्स नॉट लाइक आप खड़े हुए और आपने जस्ट बाय कर लिया, लाइक एक रिसर्च होती है, और दूसरा आपने बाइंग डिसीजन होता है, आपको प्रोजेक्ट समझ आया, आपने चीज़ें समझ आई, डेफिनेटली यू हैव टू गो इट, आप उसको फिर बाय कर, ठीक है। चलो यार ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, एज आई सेड नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे, एंड कार्ड के ऊपर कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।